आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न दिया गया निम्न में से कौन सा कथन प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में रेगुलेटरी प्रोटीन की भूमिका के संबंध में सही है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ये केवल अभिव्यक्ति को बढ़ाते हैं, दूसरा है ये केवल अभिव्यक्ति को घटाते हैं, तीसरा ये आरएनए पॉलीमरेज से क्रिया करते हैं परंतु अभिव्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, चौथा ये एक्टिवेटर तथा रिप्रेसर दोनों के रूपों में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में डीएनए का एक स्ट्रैंड से अनुवंशिक सूचनाओं को आरएनए में प्रतिलिपिकरण होता है। डीएनए के एक स्ट्रैंड से अनुवंशिक सूचनाओं का अनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में कॉपीइंग होता है यानी प्रतिलिपिकरण होता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और इस ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में रेगुलेटरी प्रोटीन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि रेगुलेटरी प्रोटीन जो है ये एक्टिवेटर तथा प्रिप्रेसर दोनों के रूप में कार्य करता है। समय पहला ऑप्शन दिया गया ये केवल व्यक्ति को बढ़ाते हैं, ये हमारा ऑप्शन गलत होता है। ये केवल व्यक्ति को घटाते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ये आरएनए पॉलीमरेज से क्रिया करते हैं परंतु अभिव्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है क्योंकि जो रेगुलेटर प्रोटीन होता है वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ इंटरैक्ट करके इसकी गतिविधि को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करता है जो कि यह प्रारंभिक साइट और यह जो होता है पॉलीमरेज यह प्रारंभिक साइटों को पहचानने की क्षमता रखता है। यह किसी दिए गए प्रोमोटर में प्रारंभिक साइट को पहचानने में इसकी क्षमता को पहचानने की इसकी क्षमता को प्रभावित करती है और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोमोटर से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन यानी शुरुआत करती है। ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो प्रोमोटर से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को इनिशिएट करती है या बढ़ाती है या शुरुआत करती है तो और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को कैटलाइज करती है। ये ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को कैटलाइज करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये आरएनए पॉलीमरेज से क्रिया करता है परंतु अभिव्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं, इस तरह हमारा ये भी ऑप्शन गलत होता है। चौथा है ये एक्टिवेटर और रिप्रेसर दोनों के रूप में कार्य करता है, ये हमारा ऑप्शन सही है क्योंकि जो रेगुलेटर प्रोटीन होता है वो जब बाहरी स्टिमुलस को दिया जाता है तो ये एक्टिवेटर की तरह कार्य करती है और जीन ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाती है और ये ट्रांसक्रिप्शन क्रिया को बढ़ाती है और जब ये रिप्रेसर की तरह कार्य करती है तब ये ट्रांसक्रिप्शन क्रिया को रोकती है। जब ये रिप्रेशन क्रिया की तरह कार्य करती है तो जब यह बाहरी स्टिमुलस इसमें दिया जाता है तो यह ट्रांसक्रिप्शन क्रिया को रोकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा ये चौथा ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।